व्हेनेवर आई से ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी, पैसे को समझो, मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब होता है कि पैसे को समझो इन द सेंस कि हाउ यू सेव इट, हाउ यू कीप इट एंड हाउ यू इन्वेस्ट इट, हाउ यू यूज इट, इन सब चीज़ों को समझो, अपने कैश फ्लो को समझो, अपने एक्सपेंसेस को समझो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझो, एंड वो पैसा आपको फ्यूचर में कैसे मदद करेगा उस चीज़ को समझो। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं यार, लोग पैसे को कितना किसने पैसा कमाया उस पर एम्फोसाइज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता किसने कितना पैसा कमाया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरा 1 लाख सैलरी है लेट्स अज्यूम, लेकिन मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं कि मेरा 1 लाख खर्च हो जाता है, और किसी बंदे की 50,000 सैलरी है लेकिन वो उसने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रखा है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कर रखे हैं कि वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट भी कर देता है, लेट्स अज्यूम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है। आगे चल के 5 से 10 साल बाद हु विल बी अ बेटर पर्सन, हु विल बी इंजॉइंग लाइफ, हु विल बी इंजॉइंग हिज पैशंस, हु विल बी परस्यूइंग हिज पैशंस, वो अपने पैशंस को कौन परस्यू कर रहा होगा, आपको पता है, वो बंदा कर रहा होगा जिसने अपने मनी मैटर्स को समझा, अपने फाइनेंसेस को समझा, एंड उसके हिसाब से उसने अपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसको वो इंजॉय कर रहा है। सो कौन कितना कमाता है या किसकी कितनी सैलरी है या किस सैलरी पे आपको इन्वेस्टमेंट या इंजॉयमेंट मिलेगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड है जो अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। आप चाहे थोड़ा कमाएं या बहुत ज़्यादा कमाएं, आपने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे कर रखा है कि आपको फ्यूचर में वो कैसे मदद करेगा, ये चीज आपको मदद करेगी आपके अपने फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए। सो डोंट टेक मनी एज सम ऑफ लाइक लोगों का जैसा होता है कि यार वो तो बहुत कमाता है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। कोई कितना भी कमाए, कोई कितना कम कमाए, उसने अपने एक्सपेंसेस कैसे कर रखे हैं, उसने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर रखा है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रखे हैं, उसने अपने फ्यूचर के लिए क्या ऑटोमेटिक चीज कर रखी है, कैसे उसने प्लान बना रखा है कि वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, व्हाटएवर इट इज, वो कैसे जनरेट करेगा, इस चीज पे डिपेंड करता है कि मनी मैटर आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कोई कितना कमा रहा है मैटर नहीं करता है, कोई कितना बचा के अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ये मैटर करता है। ये मेरा कहना का मतलब होता है जब भी मैं कहता हूं कि पैसे को समझो, मनी को समझो, उसकी साइकोलॉजी को समझो, और जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो पैसिव इनकम आती है, उससे जो आप एक स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, आप फ्री होने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड जो फ्री होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होने लग जाती हैं आपकी पैसिव इनकम से, तो जो आप एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वो इंजॉयबल होता है। आप उस चीज, उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचने की कोशिश करिए, और वो आपको सिर्फ आपकी पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम ही पहुंचा सकता है। सो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू से, या आई रियली वांटेड टू मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये होता था कि पैसे को समझो, ये होता है पैसे को समझो। आई होप मेरा पॉइंट अब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।